दादाजी मैं उठ गई। दीदी अब आपकी बारी। दादाजी भी ना सुबह सुबह उठा देते हैं। खुश रहो, बहुत पढ़ाई करो, बहुत बड़े बन जाओ। चल गोलू, तुझे नहला देती हूँ, उसके बाद वेद को नहला दूँ। आओ चलो। पापा, मुझे मम्मी से नहीं नहाना। मम्मी के हाथ से नहाने में तकलीफ है क्या? और वैसे भी मम्मी कौन सा डंडे मार के नहला रही है? चुप बैठ जा। अरे हटो, ठीक से नहला दो। अरे ताई जी, इतना महल जमा हुआ है, हटो, ठीक से रहने दो। पापा, समझ गई मम्मी से क्यों नहीं नहाना। मम्मी नहलाती थोड़ी ना है, बच्चे को मोटे चादर की तरह रगड़ रगड़ के फुर्र कर देती है। नाना तो आपके साथ होता है मजे वाला। ठीक है, तुम्हारी जो मम्मी है ना, वो बहुत दिनों के बाद घर में आई है, तो मैं चाहता हूँ कि आज तू अपनी मम्मी के हाथ से नहा ले। चल वेद, आना। अरे ये क्या है? मम्मा, मुझे तो बुखार है। बुखार में कैसे नहाऊंगा? अरे हाँ बिंदनी, सचमुच इसे बुखार लग रहा है। देख देख, चेहरा कितना उतरा हुआ है। रे बीन, एक दिन ना नहावेगो ना तो बोरी भरकर मैल ना निकालेगो। हाँ, बाद में हाथ मुंडो धुला दूंगी। क्यों छोरा? हाँ, रे राम। भाबो, ये बच्चे नहीं जानते कि जिस स्कूल में अभी ये पढ़ रहे हैं ना, हम उसके पास की थानेदार नहीं है। ये सारे झूठे नुस्खे अपना चुके हैं। चलो नहाने। चलो वेद, झूठ बोलना शुरू कर दिया। बुखार हो गया है। झूठा आ गया। अरे धीरे करो पापा। धीरे, तेरे पापा ने बिगाड़ा सब कुछ। कुछ नहीं मम्मा, तू नहाना ही पड़ेगा। और मैंने बहुत देखे तेरे जैसे ऐसे बुखार। धीरे मम्मा। कुछ नहीं, ये कितना महल जमा हुआ इसके। पापा नहीं आते ना, दिखा बैठ। इतना महल जमा हुआ है। कुछ नहीं छोड़ेगी मम्मा। पीछे आओ। ये कितनी काली कमर हो रखी है। पापा नहीं आते ना रोज। ये खुजली नहीं होती तेरे को? ऊपर कर हाथ। मैं जानू हूं तू पापा से नाराज है, लेकिन मैं कल अपने हाथों से अपने बेटे को नहलाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस, पापा वाला। भगवान जी, प्लीज मेरे पापा को भी घर जल्दी बुला लीजिए, फिर मैं भी इसकी तरह उनके साथ जिद करूंगी।
कितना प्यार से खिला रही है संतोष। अरे कभी कभार अपना पति ना सही गरीब भूखा समझ कर ही खिलाया कर। नहीं एक बात कही बाबा। अरे बाबा जी, बाबा जी उठो उठो। एमिली इस साल वेद के फर्स्ट स्टैंडर्ड के एडमिशन के लिए ना कोई अच्छा स्कूल देखना पड़ेगा, शायद वहां जाकर उसकी बदमाशियां कम हो जाए। चेतानी जी वेद शरारती जरूर है पर हाँ पढ़ाई में भी सबसे आगे है वो। वो इसलिए एमिली क्योंकि उसकी परी जीजी उसकी पढ़ाई में बहुत मदद करती है। सच में एमिली बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुमने परी को, छोटी सी है लेकिन उसकी बातें और समझ देखकर लगता नहीं कि वो इतनी छोटी है। जेठानी जी अब एक वही तो मेरी सब कुछ है, सब कुछ अब मेरा बस उसी से है। एमिली हम है ना तुम्हारे साथ। आपस में ही बातें करती रहोगी या अपने सास के लिए भी समय निकाल पाओगी? हाँ कैसी बात कर रही है बाबू, चाय बनाओ आपके लिए। बाबू क्या बात है, लगता है जेठानी जी की आने की खुशी तो अब तक आपके चेहरे पर झलक रही है। खुश तो मैं भी बहुत हूँ एमिली, अपने घर परिवार के बीच रहने का जो सुख होता है वो बाहर कहाँ, अकेले रहना बहुत डिफिकल्ट है। सही कहा संध्या बिन्नी तूने, अकेले रहना एक तपस्या के समान ही हूँ मैं, और 6 साल से जित तपस्या इमली बिन्नी भी देखती आ रही हूँ मैं। बाबू आप भी कैसी बातें कर रही है, मैं अकेली कहाँ हूँ, आप सब लोग हैं ना मेरे साथ, आप सब लोग के होते हुए मैं अपने आप को कभी अकेला नहीं महसूस कर सकती हूँ। हाँ बे परिवार साथ निभा सके पर पति की जगह को नहीं ले सके। राम जी ने जिया 14 साल को वनवास भोगा है और ने इसका 6 साल का वनवास भी 14 साल के वनवास जताई। बाबू मैंने अपने इस वनवास से समझौता कर लिया है तो मैं बस परी को हर हाल में खुश देखना चाहती हूँ। बाबू बाबा साहब मैं पार्लर के लिए निकलती हूँ। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।